Hello and welcome to the Live Chit Chat Show, organized by Ensemble Entertainment. Ensemble Entertainment is working for last 14 years, not only in India, but in different countries. They are into artist and celebrity management, corporate events, digital and media production, and many more. To know more about it, you have to log in on the page of Ensemble Entertainment Int. आप सभी को मेरे तरफ से इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं. तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. तो चलिए आज हम अपने गेस्ट के बारे में बात करते हैं. वो हैं पूनम दुबे जी, जो एक नेपाल के छोटे से गांव से आकर दिल्ली में बसती हैं. एंड शी हैज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउड फैशन डिज़ाइनर विच शी इज़ गोइंग फॉर यू नो इंटरनेशनल लेवल. सो ये जो हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करके रखी हैं अपनी लाइफ में और काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है. 18 साल से वो फैशन डिज़ाइनिंग में हैं और इनके डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं. एंड शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. तो ये एपिसोड का मैं खास बहुत इंतज़ार कर रही थी उनसे बातचीत करने के लिए. तो चलिए उनको ऑनलाइन लेते हैं और जानते हैं उनके स्ट्रगल के बारे में और उनका क्या कहना है. और ख़ास बात तो ये है कि वो खादी को वो इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना चाहती हैं. तो प्लीज़ बनी रहिए एंड आप सभी का धन्यवाद जो मुझे ज्वाइन किया है. थैंक यू रैक्स. हाय मधु. हेलो हेलो पूनम दुबे जी. नमस्ते एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू. सेम टू यू. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच. मैं बहुत अच्छी हूँ. आप कैसे हो? एकदम पूनम जी. जस्ट मैं मतलब ये एपिसोड के लिए मैं आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई हैव वेटेड. मतलब आपके डिजाइन की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ एक्चुअली. मतलब इतनी सुंदर आपकी जो क्लोथिंग है. एंड जस्ट आई जस्ट प्रे टू गॉड कि आप बहुत बहुत बुलंदियों तक आप जाएं और आपको जो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग फॉर योर काइंड वर्ड. यस थैंक यू सो मच. मतलब कोई एक नहीं है जिसको मैं चुन के बोलूं कि ये मुझे ये अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है. एवरी क्लोथिंग जितनी भी है लग रहा है कि हर चीज के पीछे आपकी बहुत क्रिएटिविटी छुपी रहती है. एक आपके इमोशंस अपने डिजाइन के पीछे रहता है. तो पूनम जी जैसा कि हम जानते हैं आप एक छोटे शहर से. क्या चाहिए एक आर्टिस्ट को? क्या चाहिए दो अच्छे नहीं, नहीं मतलब आपको मतलब आपको लाइव में देखना और आपसे बातें करना इज लाइक माय ड्रीम कम्स ट्रू. तो आप मुझे पता है कि आप एक छोटे से गांव से आकर दिल्ली में बसी हैं और आज जिस लेवल की आप फैशन डिजाइनर है और आप खादी को लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहती है. तो थोड़ा अपने स्ट्रगल के बारे में आप हमें बताएं. स्ट्रगल मतलब आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई? जर्नी तो छोटे से गांव से है. मैं बिहार के चंपारण जिला से हूँ. चंपारण डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पर अगर हिस्ट्री देखा जाए तो चंपारण जो है इतिहास में अपना एक जगह रखता है. सत्याग्रह आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था. गांधी जी ने वहीं से खादी आंदोलन शुरू किया था और गांधी जी ने चरखा आंदोलन मेरे ही धरती से जहां मैं पैदा हुई हूँ वहां से स्टार्ट किया था. और उसका मैं अपने दादाजी से हमेशा वो किस्से और कहानियां सुना करती थी गांधी जी के बारे में, जो मुझे अंदर ही अंदर कहीं पे बहुत इंस्पायर कर रहा था खादी को कहीं पे कि खादी को इंटरनेशनल जगह देना जगह मिलना चाहिए कहीं ना कहीं. मेरे को वो कुरेद रहा था बचपन से कि खादी एक ऐसा कपड़ा है. इट्स नॉट ओनली अबाउट फैब्रिक. मैं हमेशा गांधी जी के विचारों को इट्स एन आइडियोलॉजी मुझे लगता है कि ये कपड़ा नहीं है केवल जिसको हमें केवल पहनना है. इसको मुझे लगता है अडॉप्ट करना चाहिए हर इंसान को. एक ऐसा कपड़ा जो सर्दी में आपको गर्म रखता है गर्मी में आपको ठंडा रखता है. ऐसा कोई धरती पे ऐसा कोई यान नहीं है जो खादी के जैसा. मुझे लगता है खादी से मुझे प्यार है इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ. और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं उस प्रांत से आती हूँ जहां से चरखा आंदोलन शुरू हुआ था. वहां पे जहां पे कपड़े मतलब मैं अपने दादाजी से जब पूछती थी कि गांधी जी के बारे में बताइए तो वो मुझे बताते थे कि गांधी जी जब शाम को सभा करते थे तो वो चाहते थे कि घर घर के लोग आके सभा में शामिल हो. मतलब सारी औरतें भी आए सारे लोग आए तो वो शाम को फील करते थे कि औरतें नहीं होती हैं सभा के अंदर बहुत कम होती हैं. तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई शाम को औरतें क्यों नहीं होती हैं, क्या वो काम में इतना व्यस्त होती हैं घरेलू काम में? तो बोले नहीं काम तो 6-7 बजे तक घर की औरतों का निकल जाता है खत्म हो जाता है पर उनके पास अगर घर में दो औरतें हैं तो दो औरतों के बीच में बाहर जाने का एक ही कपड़ा होता है.
तो इसलिए वो सभा में नहीं शामिल होती हैं। तो इसलिए गांधी जी को ध्यान आया कि भाई ये कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि एटलीस्ट औरतें, तो क्या हर आदमी एटलीस्ट अपने लिए कपड़ा बुन के पहन सके, बना के पहन सके। और वहां क्या से बात चरखा है, आंदोलन का शुरुआत होता है। तो मैं उस धरती से हूं जहां पे कपड़े की इतनी कमी थी, और उस धरती से एक फैशन डिजाइनर का होना, जो कि एक डिजाइनर ना बहुत होने का बड़ी बात मतलब है। कि आप लग्जरी की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि डिजाइनर कपड़ा सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं उन डिजाइनर्स में कहीं बिलोंग नहीं करती हूँ, वहां से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ कि मेरे कपड़े लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे कपड़े हर वो आदमी पहने, आम से लेके खास तक पहने, सबकी रीच में हो। मैं आम के लिए भी डिजाइन करती हूँ। मैंने कभी, मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी को भी बोला होगा कि मैं आपके लिए नहीं कर सकती क्योंकि आपका बजट नहीं है। मुझे, मैं, आप अपना बजट बताइए, हम उसी के इर्द गिर्द आपके लिए चीजें बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। और खादी तो एक ऐसा कपड़ा है जो कि आम से खास तक आज की तारीख में फेमस है, मुझे लगता है। तो क्या बात है, और आप शुरू से ही खादी को ही मतलब ज्यादा अपने मटेरियल में यूज करती हैं, अपने कपड़ों में ज्यादा हाँ, यूज एक्चुअली करती क्या हैं। है कि जब मैंने जब ये इंडस्ट्री ज्वाइन किया, तो मैंने 18-20 साल किसी दूसरे लेबल के साथ मैंने काम किया। वो भी हैंडलूम लवर थी, वो भी हैंडलूम के साथ ही काम करती थी। पर हाँ, वो सारे तरह के हैंड वोवन फैब्रिक को यूज करती थी। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो खादी को लेकर के प्यार जो था, मुझे परेशान करता था कि मैं कई खादी डिजाइनर बनना चाहती हूँ। तो मुझे अपना लेबल लॉन्च करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि मैं खादी को कैसे प्रमोट कर सकती हूँ। मैं किसी दूसरे के लेबल के अंडर में काम करके मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी अपना लाइन है, वो अपने हिसाब से चीजों को क्रिएट करना चाहती हैं। तो मैं उसमें कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं कर सकती हूँ। पर मेरा कहीं पे जो एक लगाव था खादी को लेकर के, मुझे उसने उस लगाव ने मुझे डिजाइनर एक उनसे स्प्लिट आउट करने पे मजबूर किया, उनसे हट करके मुझे अपना लेबल लॉन्च करने पे मजबूर किया, और उस खादी को आप लोगों के सामने लाने के लिए मजबूर किया। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अंदर का एक डिजाइनर था और खादी का प्यार था, जो कि मैंने एक हिम्मत किया, जो मैं कह सकती हूँ कि मैं अपनी फैमिली में मैं पहली लड़की थी जो उसने बिजनेस के बारे में सोचा। हम लोग छोटे से अच्छा मैं फार्मर की डॉटर हूँ। मेरे घर में सब लोग सर्विस क्लास थे, सब लोग सर्विस करते थे। तो अपना अपना छोटा छोटा सबने जॉब किया, जो कमाई आई उसी से अपना गुजारा हम लोग सब करते थे। लेकिन सडनली ये विचार आना विदाउट एनी बैकिंग कि आपको फैशन डिजाइनर बन के एक ब्रांड स्टैब्लिश करना है, दैट वॉज रियली अ बिग चैलेंज फॉर मी, आई कैन से। मतलब किसी के लिए भी होता है, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग है, ये इंडस्ट्री बहुत डिमांडिंग है। नॉट ओनली फॉर योर फिजिकल प्रेजेंस, आपको फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है इसमें, जो कि मेरे लिए वो उस तरह का कोई बैकअप नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी, मैंने सोचा कि जब जुनून होता है तो सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। जब आदमी सोच लेता है तो कोई भी मेहनत का, हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं होता है। तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं गिव अप सही, नहीं करूंगी, मैं विल ट्राई इट, विल ट्राई इट, विल ट्राई इट, हमेशा ये सोचती रही और करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। आप, आज आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आज आप बातें कर रहे वही मैं हैं। कहती हूँ, ये जो आप जो कर रही हैं, ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं, मैंने सुना है कि आप काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। जैसे हम कहते हाँ हैं कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, पर ऐसा हो जी, जाता है कि एक्चुअल माने में शायद उन्हीं का एम्पावरमेंट होता है, लोगों की नहीं होती है। पर आप देखे हैं कि छोटे छोटे विलेजेस में आप जाती हैं, लोगों को जी एम्प्लॉय करती हैं, डिजाइनर्स जो हैं, या कॉटेज इंडस्ट्री का आप जिसको कहेंगे, छोटे छोटे गांव में देहातों में आप जाती है, तो थोड़ा इनके बारे में भी आप बताएं कि आप किस तरह से लोगों को, एक्चुअली मैंने क्या एक्चुअल है वुमेन कि एम्पावरमेंट के बारे में। हाँ, मैं किसी दूसरे की बारे में तो नहीं बात कर सकती, लेकिन मेरा पर्टिकुलर, मेरा जो एक विजन था बचपन से, मैं 6-7 क्लास में, जब मुझे याद है कि मैं अपनी मदर से, जब दोपहर के टाइम में कभी मैं हॉस्टल, हम लोग बोर्डिंग में पढ़ते थे, बोर्डिंग से जब आते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो दोपहर में गर्मी होती थी गांव में, तो पैसेज था मेरे घर में, लंबी लंबी पैसेज थी, उसी में हम लोग सोया करते थे दोपहर में। बातें करते करते भाई बहन हम लोग, उसी में आंख लग जाती थी। और मुझे याद है कि मैं जब सुबह शाम को उठती थी, अपनी माँ को बोलती थी, माँ मुझे पता नहीं है, मुझे एक सपना आता है। तो वो बोलती क्या कि मैं ना एक शीशे, मैं एक रूम में बैठी हूँ और मेरे सामने एक शीशा है, और शीशे के सामने लोग ना किसी एक पता नहीं कौन से मशीन पे बैठे हैं, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं जो मुझे लगता है मेरे अंडर काम कर रहे हैं।
तो माँ बोलती कि तू ना सवाल व्यापारी बनेगी, मेरे को हमेशा माँ बोलती थी कि तुम्हारा ना कोई है, तू जॉब करेगी, व्यापारी बनेगी, कुछ ऐसा होगा तेरे। तो मेरे को ना वो एक वो बचपन से वो दिमाग में था कि मैंने अपने यहाँ बहुत गरीबी देखी, लोगों को खाने की दिक्कतें देखी, और जब हम लोग छोटे से जगह से आकर के दिल्ली जैसे शहर में जब हमने स्ट्रगल किया तो हमारे पास बस का किराया नहीं होता था। मेरा ब्रदर दिन भर थिएटर करके कभी बस का किराया निकाल के वो हमारे को बस का किराया देता था, और खुद पैदल मंडी हाउस जाया करता था। तो हमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा। इवन मेरे जो बीच वाले भाई थे वो एक सिंगल अर्निंग थे, तो वो 1200-1400 कमाते थे, जिसमें घर का रेंट भी जाना होता था। दो ऐसा नहीं था कि मेरे घर से मेरे फादर हमें सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोगों का एक ये था कि जब हम दिल्ली तक आ गए हैं तो अब फादर से, उन्होंने 6 बच्चों का बोर्डिंग का ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करा दी, अब इससे आगे नहीं लेनी चाहिए फादर से सपोर्ट। उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने एंड अच्छा से 6 बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटे से गांव में रह करके उन्होंने हमें मिशन में भेज करके बोर्डिंग मिशनरी के अंदर हमें बोर्डिंग में रखकर पढ़ाई करवाया था, जो कि आज भी मैं सैल्यूट करती हूँ उनको, अपने फादर और मदर को, जिनकी वजह से हम आज यहाँ तक है। मेरी मदर का ड्रीम था कि मेरे बच्चे खेतों पे नहीं जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे और वो जिनको जो बनने की इच्छा होगी वो करेंगे, चाहे चाहे वो मेरी बेटी हो। या तो आई कैन से कि मैं उस पूरी डिस्ट्रिक्ट की पहली बेटी थी जो मैं कमाना मैंने शुरू किया था, ऐसे कहा जाए तो मैंने कमाना शुरू किया था उस जमाने में जब लोग बाहर बच्चों को जाने नहीं देते थे, लड़कियों को जाने नहीं देते थे। एट द एज ऑफ 25 आई वॉज इन दिल्ली एंड आई वॉज अर्निंग एंड पीपुल वर सेइंग कि आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करते, 25 से भी आप बेटी की कमाई खा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें भी मेरी मदर को लोगों सुनना की पड़ रहा था, लेकिन मदर ने मेरे आई कैन से कि उन्होंने कभी भी उस चीज का बॉदर नहीं किया। बोले ठीक है, जब हम बेटा की कमाई खा सकते हैं तो बेटी की कमाई क्यों नहीं खा सकते हैं। तो एक उनका बेटा और बेटी का बराबर का दर्जा देना मेरी माँ का और मेरे पिता का, वो भी मेरे अंदर कहीं पे बहुत उस चीज का था कि लड़की जो है कहीं भी कम नहीं है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, कहीं भी कम नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि बेटियां बहुत ज्यादा हैं और बेटे कम हैं और बेटा बहुत ज्यादा है, मैं सोचती हूँ कि दोनों का बराबर का दर्जा है समाज में, पेरेंट्स की नजर में और समाज में भी। तो क्यों नहीं, अगर लड़कियां पीछे हैं तो क्यों नहीं हम सपोर्ट करें थोड़ा उनको, और थोड़ा उनको आगे लेकर आए। तो मेरा वो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मुझे, मैं हर लड़की को उसके पावर को पहचानने की शक्ति उसको खुद ही रखनी पड़ती है, बस उसको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत होती है, थोड़ी सपोर्ट की जरूरत होती है। वो मुझे लगता है कि अगर मैं दे सकती हूँ, मेरे अपने आसपास के लोगों को दे सकती हूँ, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम, हमेशा थोड़ा थोड़ा थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ा सा सपोर्ट कहाँ से कहाँ लोगों को लेके चली जाती है। तो उसके लिए मैं हमेशा सही वहां पे बात है। खड़ी रहती हूँ लड़कियों के लिए। इवन कि जो आपने अभी बोला कि मैं गाँव में जाती हूँ, मैं राजस्थान के गाँव में मैंने देखा, मैं दरी, कारपेट दरी इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी इंपैनल्ड हूँ और डीसीएस पे भी इंपैनल्ड हूँ, तो वो लोग मुझे प्रोजेक्ट देते रहते हैं। मैं गाँव में जाती हूँ तो मुझे दिखता है, मैं उनको जाके वहां की औरतों को वीव करने के लिए, दरी बनाने के लिए जबरदस्ती, मतलब घर से निकाल निकाल कर कि आप क्या कर रहे हो, मतलब जस्ट लेट मी काफी मतलब नो। टैलेंटेड होती हैं, बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड, होती हैं, और काफी बहुत बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड है, है। इवन कि उनका आप कह सकते हैं कि पुश्तैनी धरोहर है जो कि खत्म हो रहा है, हमारा हेरिटेज है वो खत्म हो रहा है जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू डू दोस थिंग्स, क्योंकि उनकी अर्निंग उससे नहीं, उनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई करके और ऑफिस जॉब जो है वो ज्यादा मुझे देता है, पहचान देता है, पैसा देता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। सही तो मुझे लगता है कि उसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है, थोड़ा समाज को भी सजग होने की जरूरत है, और लोगों को बताने की जरूरत है। मैं उनको कभी दोष नहीं देती हूँ जो हमारे क्राफ्टमैन हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, इसलिए वो नहीं वीव करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं जाना चाहते हैं कारपेट इंडस्ट्री में, क्योंकि उनको उतनी मजदूरी नहीं मिलती है, घर चलाना है, बच्चे हैं, सही स्कूल है, राइट हर आदमी आज की डेट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और क्यों ना, उसका हक है अपने बच्चे को पढ़ाने का। तो सरकार को थोड़ा अलर्ट होने की, थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ के, आगे सरकार बढ़ रही है, लेकिन क्या है इस हायरार्की में चीजें जो है कंट्रोल में रहें, जहां से चीजें निकले वहां तक, जिनके लिए निकले उन तक पहुंचे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। ये बहुत है। मतलब अपनी तो जो वो हाँ बोलिए प्लीज। जो ट्रेडिशंस को है कि मेंटेन करते हुए चले, लेकिन
तो ये हमारा हेरिटेज में आता गया है, राजस्थान की अपनी वर्क है, गुजरात की अपनी तरह की वर्क है, ये पर्टिकुलर अलग अलग असम की अलग अलग तरह का जो है वो काम है, तो ये सब चीज सही तरीके से जी हमारा हिंदुस्तान तो खजाना है, खजाना है। अगर आप कोई भी स्टेट उठा लेते हैं तो हमारे पास खजाना है। मतलब आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई एम नॉट एट ऑल वरीड अबाउट चाइना थिंग। चाइना अगर चला गया तो हमारा धरोहर बच जाएगा, अगर हमने चाइना को बैकआउट कर दिया तो हमारा सारा धरोहर बच जाएगा, आप ये मान के चलो। हाँ वही वही मेरा था कि जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में चाइना से सिल्क वगैरह या फिर बाकी सारे मटेरियल जो हैं वो कम कॉस्ट में इंडिया में आते थे, तो ये अभी हम जब बॉयकट कर रहे हैं तो इसकी क्या असर किस तरह का पड़ेगा फैशन इंडस्ट्री में, मतलब फैशन इंडस्ट्री क्या हाँ मैं ये इंडस्ट्री को तो फर्क पड़ रहा है, अभी बहुत फर्क पड़ रहा है जिनको, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फास्ट फैशन की तरफ जा रहे थे। हम तो ना अपने क्राफ्टमैन के बारे में सोच रहे थे, ना हम अपने हैंडलूम के बारे में सोच रहे थे, ना ही हम अपने पर्यावरण के बारे में सोच रहे थे। हमारी बच्ची जो है आज बाजार जाती है, चार कपड़े उठा के लाती है, साल में उसका उन चार कपड़ों एक बार भी पहन पाती है, नहीं पहन पाती है, और एक दो साल के बाद वो एक डस्टबिन में जाता है और कहीं पे जा करके वो गार्बेज बनता है और पर्यावरण को खराब करता है। तो मेरा ये कंसर्न था कि जो हमारी दादी नानी, मैं आज भी मुझे याद है कि मेरे घर में जितनी शादियां होती थी, मेरे मेरे जब से मुझे समझ हुई है, मैंने अपनी माँ को वही बनारसी साड़ियां पहनते हुए देखी जो उनको अपनी शादी में मिली थी। वो बस शादियों में ही काम आती थी और वो इतने अच्छे से संभाल के उनको रखती थी कि हर शादी में फिर वो नई दिखती थी। वो बस उनका जरूर वो थोड़ी मोटी हो गई तो ब्लाउजेस बदल गए, थोड़े सा ब्लाउज दूसरी बन गई, लेकिन साड़ी वही रहती थी और हर बार वो उसको एंजॉय करती थी। और आज भी हम उनको बोलते हैं कि हमें दे दो, हमको पसंद है। तो क्यों ना हम उस दुनिया में फिर से जाए, मुझे ये लगता है कि वो जो सामान कर पाए तो जिसको स्टोर कर पाए, बार बार पहन पाए, बार बार हमें पहनने का मन करे, ये ऐसा चीज होना चाहिए। नहीं तो आप समझ रहे हैं कि इस अर्थ पे क्या होने वाला है पूरे टाइम पर। सबसे ज्यादा मैं अभी जब लॉकडाउन के टाइम में मैंने बहुत समय निकाला पढ़ने के लिए, मुझे वक्त मिला, तो मैंने देखा कि अर्थ को सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही गंदा कर रही है। कपड़ों की वजह से ही सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग सिंथेटिक, वी आर यूजिंग पॉलिएस्टर, तो वो क्या होता है कि वो ना तो गलता है ना वो बर्बाद होता है, वो जहां पड़ा रहता है उसके नीचे की धरती को भी खराब कर देता है और स्किन फ्रेंडली भी नहीं है। तो हम क्यों, हम किस रेस में है हमें खुद नहीं पता। अगर मुझे याद है कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया था उस समय ये फास्ट फैशन नहीं था, क्योंकि 25 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री ज्वाइन किए हुए। तो उस समय मुझे याद है कि जब मैं जॉब में थी तो मदर्स जब टूसो बनाती थी अपनी डॉटर्स के लिए, तो एक मारवाड़ी मेरी बॉस जो थी मारवाड़ी थी, तो उनके पास मारवाड़ी क्लाइंटेल थी बहुत जबरदस्त। तो मैंने देखा था कि उनके जो टूसो बनाती थी उनकी मदर्स अपनी डॉटर्स के लिए, तो हर स्टेट की एक साड़ी हुआ करती थी और वहां मेरा एक प्यार और उमड़ा। उन लोगों को भी मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा मुझे उन क्लाइंट्स का जो अपनी बच्चियों के लिए बनाती थी। हर स्टेट की एक साड़ी होती थी, उसके ब्लाउजेस बनने आते थे। ओपन साड़ी है, लखनऊ का चिकनकारी है, कांजीवरम है, बनारस की 8-10 वेराइटी होती है, आप ये समझिए। वेस्ट बंगाल की 4-6 वेराइटी की साड़ियां बनती हैं। तो आप समझिए कि एक लड़की को वो लोग लगभग 100-150 साड़ियां देती थी और केवल हैंड ओवन होती थी, आप ये समझिए हिंदुस्तान के आज की डेट में। और वो हैंड वोवन पीताम्बरी श्वेताम्बरी जो कि मैं उनसे बैठ के बातें किया करती थी, तो बताती थी बेटा मदर उनकी दादी जो है वो विडो है, तो उनके लिए हमने श्वेताम्बरी बनाया है। एक साल लगता था एक वीवर को एक साड़ी बनाने में, आप जस्ट इमेजिन, वो इतनी मेहनत करता था उसको एक साड़ी बनाने में। तो उसको एक ज्वेलरी की तरह लोग संभाल के भी रखते थे, उसको संभाल के रखते थे कैसे अब सीजन चेंज हुआ तो धूप दिखाना है, आप उसमें क्या डालना है, कैसे बचा के रखें। लेकिन आज की तारीख में आप ये देखिए ना, मनी का कोई वैल्यू है ना, कपड़े चीज सामान का कोई वैल्यू है आपके पास, ना ही रिसाइकल हो पा रहा है। हाँ यू कैन नॉट इवन डू द रिसाइकलिंग,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है कि आप रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट द मतलब व्हाट द पॉइंट टू यूज सच थिंग, मतलब जो आपके लिए ना आपके लिए सही है, ना आपके सेहत के लिए, ना ना एनवायरनमेंट के लिए सही है, तो व्हाई टू यूज सच थिंग. सही तो बेहतर है कि आप थोड़ा कम पहने, थोड़ा कम खाएं, आप भी खाएं, लोग भी खाएं, समाज भी सुखी, आप भी सुखी. हाँ सही बात है। तो हाँ वही मैं बता रही हूँ कि पहली की चीज मैंने, आपने ठीक सही कहा कि मम्मी की साड़ियां जो है आज भी वैसे ही हैं, जी 20-50 पता 50 साल हो गया उस पचास साड़ी साल को, हाँ लेकिन आज हाँ भी वह हाँ तह जी लगा के रखी है। कुछ नहीं होता आजकल, क्या कोई नए ब्रांड की हमने कुछ ड्रेसेस ले लिए, मैक्सिमम हम आपको हाँ सिंथेटिक आइटम्स जो है वो लेते हैं, हाँ और हाँ मैक्सिमम जी 2 या 3 महीना या 6 महीना मैक्सिमम पढ़ के फैशन चेंज होता है, वापस उसको डंप करते हैं, जी वो तो हमारे उसके लिए प्रति वो बेकार है. लगाव नहीं रहता, वो हाँ प्रति जी लगाव हाँ नहीं रहता, चीजें की लगाव भी हाँ खत्म होते जा रही है लोगों की। जी एक चीज जी होता था कि पहले के स्पॉटिंग की साड़ियां जब हम यूज करते थे, जब फट जाता था तो उसको किसी और काम पे लगा दिया जाता था, हाँ लेकिन आजकल हाँ के जो कपड़े हैं वो तो आग से भी बचाने के लिए मुश्किल है, कि लोगों की हाँ बॉडी में ऐसे ही आग लगता है नहीं क्योंकि स्किन फ्रेंडली नहीं है, सही सही स्किन बताया फ्रेंडली नहीं है। तो आपने बहुत सारी जी मतलब बहुत प्रॉब्लम, आपने बहुत सही बात कहा कि हाँ ट्रेडिशन जो है वो वापस से हमें वो बैक में जाना चाहिए, और वही फैशन को हाँ वापस हमें लेकर वो चीजों को हाँ बढ़ाना चाहिए। दूसरी सही बात है कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में, हाँ हाँ तो जैसा कि कहा कि आपने कहा कि इंडिया में जनरली ऐसा होता है कि आपके घर पे ये कभी भी ऐसा नहीं था कि लड़का लड़की में कोई फर्क रखा जाए, तो ये जो आपको क्या शुरू से ही फैशन डिजाइनिंग ही पढ़ना था, या फिर आपको किसी ने नहीं नहीं इंस्पायर किया, या नहीं मैं बताती हूँ. मैं तो जहां से बिलोंग करती हूँ फैशन का एप भी नहीं मुझे पता था. इनफैक्ट मैं पढ़ने में अच्छी थी और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, मेरे फादर की बड़ी इच्छा थी कि मैं आईएएस का एग्जाम दूँ, उनकी बहुत बहुत इच्छा थी. लेकिन एट द सेम टाइम मैं बहुत अच्छी पेंटिंग किया करती थी, मेरे मदर से मुझे इनहेरिट होकर आया था कि मैं बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी किया करती थी. तो मैंने मुझे याद नहीं है कि कभी छुट्टियों में मैंने जब मैं छुट्टियों में घर आती थी तो मैंने कभी किसी के पास बैठ के कोई गॉसिप किया होगा, मुझे याद नहीं है. आज टुडे मतलब आज भी लोग कहते हैं कि, मुझे ऑफिस के स्टाफ भी ये बात बोलते हैं कि आप हमेशा काम 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 के लिए सोचते रहते हैं, मतलब पूरे टाइम आपको कभी मन नहीं करता है कि थोड़ा पार्टी करें, थोड़ा ये करें, थोड़ा वो करें. हम बोले नहीं, मेरी मेरा एक अलग किस्म का जुनून है कि भाई अभी मेरे पास 25 लोग काम करते हैं, मेरे कुछ समय के बाद मेरे को ये 50 चाहिए, मुझे 100 चाहिए, मतलब इनके मेरे को कैसे मैं एम्प्लॉयमेंट दूं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. हाँ 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 कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा. तो उस समय क्या था कि मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने सोचा कि चलो आईएएस, मेरे फादर की बड़ी इच्छा है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए, तो वो उनकी भी थोड़ी इच्छा को पूरी की जाए, और दो मेरे को कहीं पे एट द सेम टाइम मुझे भी थोड़ा लीडरशिप टाइप की अंदर से फीलिंग थी कि विच आई वाज फीलिंग कि आई कैन मैनेज इट, मतलब मुझे ऐसा लगता था. तो और पढ़ाई अच्छी थी तो मैंने सोचा चलो कोचिंग कर लेते हैं, थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. तो हमारे उस जमाने में फोन नहीं हुआ था करता था, घर में गांव में थे हम लोग, तो लैंडलाइन भी नहीं था, तो हम पास के शहर में जाते थे क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो एक्टर है वो दिल्ली में रहते थे, वो तो उनसे बात करने के लिए हमें पास के शहर में जाना होता था. तो मेरा रिजल्ट आ गया था तो मुझे बताने जाना था कि अच्छा, मैं में सो आप मनोज वाजपेयी जी की बात कर रही है, जी जी कि आपके उन्हें भाई बताना जाना था. जी जी ओके बट हाँ हाँ जी हाँ जी उनको बताना था, उनको अच्छा इन्फॉर्म करना था कि मेरे को तीनों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आया है, और तो मैं पास के शहर में मैं गई वहां पे. तो उन्होंने मुझे फोन पे किया कि अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है. तो मैंने बोला कि मैं तो आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करना है, मुझे पटना जाना है कोचिंग करने के लिए. तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, जैसा जो करने का मन है ठीक है करो. तो हम वापस आगे बातचीत करके घर 3-4 दिन के बाद वो दिल्ली से गांव आ गए, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वो गांव आ गए. फिर उन्होंने माँ से बात किया, फिर पहले उन्होंने मेरे से बात किया, बोला कि पूनम तुम फैशन डिजाइनिंग क्यों नहीं करती हो. तो मैंने बोला कि फैशन डिजाइनिंग क्या होता है. तो उन्होंने बोला कि अरे तुम इतना क्रिएटिव हो. एक्चुअली क्या होता था कि बचपन से जब हम हॉस्टल से आते थे तो हमारे लिए कपड़े बनते थे, तो मेरी माँ सबके कपड़े बनवा के रखती थी, पर मेरा कपड़े क्यों
खरीदा भी नहीं जाता था, सिलवाया भी नहीं जाता था, वेट किया जाता था कि वो आएगी तो जाएंगे हम लोग, कपड़ा खरीदेंगे, फिर रात भर में सिलेगा। तो हम जाते थे कपड़ा खरीदने पास के शहर में, और वहां से आके मेरा एक टेलर इंतजार कर रहा होता था कि ये दीदी जो है बैठ के बनवाएंगी कटवाएंगी, मुझे ये स्टाइल चाहिए, मुझे डिजाइन वो स्टाइल करेंगे चाहिए डिजाइन करने के लिए कि मुझे। तो वो चीज मेरा भाई बचपन से नोटिस करता था कि वो किसी का बनाया हुआ चीज खुद से या कोई लाके देता था तो मैं नहीं पहनती थी। ये मेरा सिंपल सा था, मुझे कॉटन चाहिए, मुझे कंफर्टेबल चाहिए, मैं कभी सिंथेटिक नहीं पहनती थी, ये सारा बचपन से था मेरा बहुत ज्यादा। तो हाँ, तो मैं जाके वहां से लेकर हैंड ओवन फैब्रिक आती थी और लाके तब फिर उसको बैठ के कटवाती थी, फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी करती थी खुद से और तब पहनती थी। तो वो बचपन से नोटिस करता था ये सारी चीजें। तो उसने बोला कि अरे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम इतना तुम्हारा इंटरेस्ट है और क्या करोगे यूपीएससी करके, ये पूरा पॉलिटिकल गेम होता है। उसने मतलब अपना अपना एक राय रखा, मुझे नहीं पता, हाँ वो अपना एक राय रखा टू डाइवर्ट माई माइंड, यू नो लाइक कि पता नहीं तुम मैनेज कर पाओगी नहीं कर पाओगी चीजों को। वो मुझे, चूंकि वो बड़ा था और फादरली हम लोगों ने हमेशा उसको देखा, दो ही वाज नॉट वेरी एल्डर देन मी, मेरे से 4.5 साल ही बड़ा था, लेकिन हम लोग हमेशा फादर फिगर की तरह देखते थे उसको हमेशा। तो वो जो बोलता था वो हमारी लकीर होती थी कि वो जो बोल रहा है वो सही है। तो क्योंकि वो दुनिया देखा था भाई, वो छोटे जगह से बड़े शहर में आया था, तो मुझे लगता सबको लगता था कि भाई वो ज्यादा बेहतर जानता होगा। तो सही। मैंने बोला कि क्या होता है फैशन डिजाइनिंग, तो मुझे बैठ के समझाया उसने कि ऐसे ऐसे होता है, लोगों के लिए कपड़े डिजाइन करो, बड़े बड़े लोगों के, सेलिब्रिटीज के लिए डिजाइन करो। तो मैंने बोला कि माँ नहीं जाने देगी, ये पढ़ाई बाहर शहर में होती है और माँ नहीं जाने देगी, क्योंकि मैं लड़की हूँ और गाँव से, यहाँ पे लोग बहुत तरह की बातें बनाएंगे, तो माँ, वो मैं माँ को मना लूंगा, उसने बोला। फिर माँ से उसने पूछा कि पूनम को मैं चाहता हूँ दिल्ली लेके जाना, तो बोला कि दिल्ली कैसे जाएगी, इसकी मुझे शादी करनी है, अभी कैसे चली जाएगी दिल्ली। तो उसने बोला कि तुम्हारे पास कितना समय है पूनम की शादी के लिए, उसने पूछा माँ से। माँ ने बोला मेरे पास 2 साल है, अभी पूनम ने 2 साल मांगा है अपनी यूपीएससी के लिए, तो मुझे 2 साल है मेरे पास। तो बोला 2 साल मुझे दे दो, उसने बोला 2 साल मुझे दे दो पूनम के लिए, मुझे लेके जाने दो पूनम को। तो माँ ने बोला कि पूनम से पूछ लो कि भी क्या करना है। तो मेरे को भी लगा कि भाई दिल्ली जाना है, छोटे से जगह की एक ड्रीम कि भाई दिल्ली बड़ी दूर है, तो मेरे को भी था कि चले देखते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट द दिल्ली। सो एक अंदर से क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी हुआ और ये फैशन डिजाइनिंग क्या है और भैया बोल रहा है तो अच्छा ही होगा सब कुछ करके। फिर मेरे को, फिर बीच वाला भाई आया मुझे, उस बोला कि चलो तुम अपना पैकिंग वैकिंग करो, मैं भेजता हूँ सरोज को और वो तुमको ले जाएगा। मैं ठीक है, भैया आया, वो मुझे लेके गया और फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई उन लोगों के साथ। आप ये समझो कि मेरा भाई 3 बरसाती में ये लोग रहते थे छत पे किसी के घर, यहाँ दिल्ली में 3 कमरे थे, 3 कमरे में बिहारी स्टूडेंट्स रहते थे और उन 3 कमरों में नहीं भी तो मुझे लगता है 8-10 लड़के रहते थे, जिसमें मैं एक अकेली लड़की, मैंने उन लोगों के साथ रूम शेयर किया। तो दो, मैं ये नहीं कहूंगी उन सारे लड़कों ने मिलके मुझे और मेरे भाई को एक कमरा दे दिया था, बीच वाले भाई को, कि आप लोग इसमें रहो और बाकी हम 2 कमरों में हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमने स्ट्रगल किया, पर उस स्ट्रगल को आज भी मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि घड़ी की सुई वही थम जानी थी। आज जो जिस रेस में हम हैं, हमें खुद भी अपनी पहचान नहीं रह गई है आज की डेट में। उस टाइम में बहुत वार्म था, 10-12 लड़के रहते थे, पर मैं सबकी प्यारी बहन थी। मैं आपको बताऊं, उस 1992 की बात है, मैं सबकी प्यारी बहन थी। उस टाइम का जमाना सही है, जमाना अलग। हाँ, उस टाइम का जमाना कुछ अलग था, भाई भाई की तरह, भाई बहन। हाँ, मतलब आप जिस टाइम, और नहीं तो दिल्ली में जो, हाँ मतलब आप ये सोचो कि मेरा भाई, बड़ा भाई स्ट्रगल करता है, वो थिएटर करता था, बीच वाला भाई मेरा अपनी जॉब पे जाता था, और वो जो लड़के थे वो मुझे कॉलेज लेके जाते थे, और कॉलेज से शुरू के दिनों में आप ये समझो, वो एक लड़का जो, एक भाई जो थे, मतलब उनके दोस्त जो थे, वो बस स्टॉप पे मेरा वेट करते थे कि मैं छोटे जगह से आई हूँ, अभी इस शहर की मुझे पहचान नहीं है, मैं अकेले आ जा पाऊंगी कि नहीं। तो वो मैं क्लास करती थी 4 घंटे, तो वो 4 घंटे बस स्टॉप पे वेट करते थे मेरे लिए। Can you imagine, आज की डेट में मेरी बेटी है, मुझे पता है उस तरह का सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है कभी, नहीं मिल सकता। यहाँ पे मतलब लोग बाहर भेजने से ही डरेंगे, जो क्राइम रेट बढ़ रहा है। नहीं, आप ये सोचो मतलब कि चाहते हैं किस तरीके का समाज है कि ओनरशिप लेकर, हाँ ओनरशिप लेकर आपको संभाला गया,
संभाला, हाँ मतलब ऐसे संभाला गया शहर में मुझे कि इस शहर में आए हैं कि पूरा, मतलब मैं गार्जियन हूँ तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चीजें मतलब ऐसी करे हो कि माँ को हर्ट ना करे, अगर मैं लेके आया हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब मैंने भैया को पूछा कि आपने 2 साल मांगा है माँ से और 2 साल के बाद वो मुझे बुला लेगी, वो बोलेगी वापस आ जाओ, तो बोला 2 साल मैंने मांगा है, 2 साल तुम मांगना अपनी तरफ से, तुम जब उस लायक हो तुम अपने आप को 2 साल में खड़े कर लो और तुम मांग लेना, 2 साल वो दे देगी मुझे पता है। तो 2 साल के बाद मेरी मदर दिल्ली आने जाने लग गई थी, मैं जॉब में आ गई थी, फिर उन्होंने दिल्ली में ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, ऐसे करके मेरी शादी हो गई दिल्ली में ही, यही शादी हो गई, अब यही के बासिंदे क्या हो बात गए हम है लोग, यही के बासिंदे हो गए। यार, वही तो मतलब सब हाँ कुछ होता है कि एक बड़े भाई का गाइडेंस जो आज हम मिस करते हैं ये सब चीजें। पहले जी था कि जी हाँ पापा है, पापा के बाद जो बड़े भाई होते थे वो पूरा जी ओनरशिप जी लेते थे। जी जी आज जी ऐसा हो जी गया कि बचपन से लोग अपनी अपनी रेस में भागने लगते हैं, लोगों हाँ के हाँ पास हाँ टाइम नहीं हाँ होता एक दूसरे को गाइड करने का। तो आप हाँ बहुत लकी रही है, मतलब इस मैटर में आप हंड्रेड स्ट्रगल भी परसेंट काफी किया आपने। अच्छा नहीं, मुझे स्ट्रगल एक का और कुछ मजा पूछना था था। पूनम जी। जी, क्योंकि आप सही रास्ते में थी और सही चीज सीख रही थी। आप था कि ठीक आप शुरू से ही थी कि कर्मठ थी, आपके पास वो स्किल था जो आपको पता नहीं था कि आप फैशन डिजाइनिंग की तरफ देख सकती हैं। कहीं ना कहीं जी आपके भाई जो है उन्होंने आपको एक मार्गदर्शन दिया और आप उस पर चल बिल्कुल पड़ी। इतना फेथ था कि जी चलो ये जो सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत अच्छी बात हो जाती है हमारी लाइफ में। दूसरी जी बात जी है कि लोगों का जैसे आज है इंडियन पेरेंट्स मैक्सिमम सोचते हैं कि लड़कियां शादी हो जाए, तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ क्या ज्यादा जरूरी है, आत्मनिर्भर होना या अच्छे घर में शादी होना नहीं लड़कियों का देखिए आजकल? शादी, हाँ मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और शादी में भी बिलीव करती हूँ, इस इंस्टीट्यूशन में भी बिलीव करती हूँ, पूरी तरीके से बिलीव करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आत्मनिर्भर होना अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप यू नेवर नो, आपको नहीं पता है कल क्या है अगला पल क्या है, ये आपको नहीं पता है, इसलिए हर ये आत्मनिर्भर होने का हक केवल आदमियों को है ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये हक की भी बात नहीं है, बात ये है आपको अपने लिए आत्मनिर्भर होना है, किसी और के लिए आत्मनिर्भर नहीं होना है, हर आदमी को अपने लिए आत्मनिर्भर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि ये लड़की के लिए बना है और ये लड़कों के लिए बना है, ये सबके लिए बना है और सबको होना चाहिए, ये आज के समय का डिमांड है। आपको आप आज कौन जानता था ये कोरोना काल आएगा, आप मुझे ये बताइए, कौन जानता था सही 6 महीने बात किसी को सबको घर पे बैठना पड़ जाएगा, आप ये बताइए, अगर जिस घर में हस्बैंड वाइफ जो अगर कपल्स हैं, अगर दोनों अर्निंग हैं, तो आज का समय कितना उनके लिए आसान होगा, जिनके घर में अगर कोई एक आदमी अर्निंग होगा और वो अकेला फाइट कर रहा होगा और उसका जॉब अगर स्टेक पे चला गया किसी वजह से, तो कितना डिफिकल्ट टाइम हो गया होगा उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए। तो सही आत्मनिर्भरता बात है। इसलिए नहीं होना है कि भाई मैं लड़का हूं तो मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं लड़की हूं तो मैं क्यों नहीं आत्मनिर्भर हो सकती, नहीं, आत्मनिर्भर आज के समय का डिमांड है, आपको होना जरूरी है, इसलिए करना, आपको आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, मेरी बेटी है, आप एक समय के लिए आप सुनिए, मेरी जो बेटी है अगर वो आत्मनिर्भर नहीं रहेगी तो मैं कितनी बार उसको ले जा करके मैं ट्रेन में बिठाऊंगी या मैं उसको फ्लाइट में बिठाऊंगी या उसको हॉस्टल छोड़ने जाऊंगी, आप ये समय समझिए, समय चीजें बदल चुकी हैं, जिस समय मेरे समय में 6 भाई बहन हम थे तो कोई ना कोई एक वक्त निकाल लेता था एक आदमी को हॉस्टल पहुंचाने के लिए, समाज भी उस तरीके का होता था कि भाई चलो चाचा भी छोड़ आते हैं, आज का समाज आपको पता है रोज आप न्यूज़ देखते हैं, आप किसके भरोसे छोड़ सकते हैं, सही है। अगर आप छोड़ते भी हैं तो आपकी बेटी में उतना उतनी आत्मनिर्भर उसको होना पड़ेगा कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके पास उतना वो अपना वॉइस बन सके, वो उसको उसके साथ सही। फाइट कर सके, आप कहाँ कहाँ जाएंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं होता कि केवल पैसे से आप आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ कर सकते हैं और आप सेल्फ सफिशियंट हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। मतलब लड़का हो या लड़की अपने लिए स्टैंड लो, हाँ अपने लिए जी स्टैंड हाँ लेना चाहिए। जैसे कि होता था कि बहुत सारे लड़कियां होती कि हमारे घर वाले नहीं निकलने देते, ये हस्बैंड अलाउ नहीं करते, तो काफी लोग इस तरह के प्रॉब्लम लेके आती हैं। बस सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अपने लिए वो क्या सोचती हैं और किस तरह का जी स्टैंड वो अपने लिए ले जी पाती हैं। इस जी तरह का जी इंडिपेंडेंस होना, हाँ इस तरह का राय हाँ बहुत जरूरी है। हाँ
तो अभी पूनम जी, जैसे कि आज भी हमने देखा है, मतलब आज भी 74 इयर्स हो चुका आजादी का, तो लोग अभी ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं किसी सेक्टर से, छोटे शहर से बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं, पर कहीं ना कहीं हिंदी बोलने के लिए उनको आज भी शर्मिंदा महसूस वो करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या हमारा मतलब भाषा इस तरह का है कि शर्मिंदगी हमें महसूस हो, या इंग्लिश बोलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कॉर्पोरेट लेवल्स में काम करने के लिए? तो इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, उसके लिए तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो किसी को लैंग्वेज को सबसे पहले ये समझने की बात है कि आप अपनी बात को सामने वाले को समझा सके, लैंग्वेज की बस उतनी ही जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, सामने वाली आपकी बात को समझ गया तो बस उतना ही इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इस लैंग्वेज का। और शर्मिंदा होने की, जहां तक शर्मिंदगी की बात है, तो मुझे लगता है कि जो लोग को हम आज हम पब्लिक फिगर कहते हैं कि भाई वो समाज को कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा लोगों को, अपने देश के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को, कि भाई आप निकलो, बाहर निकलो, लैंग्वेज कोई बार नहीं है, लैंग्वेज के लिए आप परेशान मत हो, वो कोई बार नहीं है और वो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आज बॉलीवुड जो है वो हिंदी से ही चलती है ना, हिंदी सिनेमा है वो, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है। आप हम उनको एडमायर क्यों करते हैं? वो तो इंग्लिश बोल नहीं रहे हैं, वो तो हिंदी में ही आपको अपनी जो भी है अपनी चीजें दिखा रहे हैं। हम उनको, फिर भी हम उनको सुपरस्टार बनाए हुए हैं, क्यों बनाए हुए हैं? हिंदी ही बोलते हैं वो, तो फिर इसमें क्यों शर्मिंदगी है? और दूसरी बात यह है कि दूसरे देशों से अगर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं, तो वेस्टर्न में तो यही हम देखिए, यूरोपियन कंट्री आप जाके देखिए, जर्मनी में जर्मनी बोलते हैं लोग, फ्रांस में फ्रेंच ही बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो क्यों? वो तो कहीं शर्मिंदगी नहीं महसूस करते हैं। मुझे आज बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ। जब मैं फ्रेंच बायर से डील करती हूँ, जब मैं जर्मन बायर से डील करती हूँ, जब मैं व्हाट्सएप चैट करती हूँ, तो वो नहीं, मेरे को ट्रांसलेटर रखना पड़ता है, वो मुझे अपने अपने ही लैंग्वेज में मुझे रिप्लाई करते हैं, मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है जा करके, और फिर उनके लैंग्वेज में मुझे रिप्लाई करना पड़ता है, आप ये समझिए। अच्छा, वो इंग्लिश भी नहीं, वो इंग्लिश भी नहीं बोलते? नहीं करते हैं, मतलब वो इंग्लिश, वो मुझे इंग्लिश में रिप्लाई नहीं करते हैं, और मुझे फ्रेंच में ही लिख के भेजना पड़ता है। मुझे उनके फ्रेंच लिखा हुआ को पहले मैं ट्रांसलेटर पे लेके जाती हूँ, पहले मैं चेक करती हूँ, फिर मैं अपने अपना इंग्लिश में लिख के फ्रेंच में ट्रांसलेट करके फिर उनको मैं देती हूँ। तो आप ये समझो कि वो कितने रिजिड है अपने लैंग्वेज को लेकर के, वो कितने कंफर्टेबल है अपने लैंग्वेज को लेकर के, कि उनको पता है कि सामने वाले को इतना पेन हो रहा है, फिर भी वो अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आप ये सोचो कि आई एम एन इंडियन, मैं उसके सेंटिमेंट्स को ख्याल में रख के मैं फ्रेंच में लिख के भेज रही हूँ। आई एम नॉट राइटिंग इन हिंदी, आई एम नॉट राइटिंग इन इंग्लिश, आई डोंट वांट टू गिव हिम सच पेन कि वो उसको ट्रांसलेट करेगा, दो ही इज गिविंग मी पेन, वो मुझे दे रहा है पेन और आई एम टेकिंग इट। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब दुनिया में लोगों को कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने लैंग्वेज को लेकर के, तो आपको अपने देश की लैंग्वेज को लेकर के क्यों शर्मिंदगी है? ये बात बताना पड़ेगा। जो हमारे जैसे मैं उन बच्चों को दोष नहीं देती जो गांव में हैं लोग, मुझे लगता है कि जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस देश को, चाहे किसी भी क्षेत्र में, कोई पॉलिटिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, उनको बताना होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने एंड से लोगों को बताती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, और ये मैं इतना बड़ा फेस नहीं हूँ कि लोगों को तक पहुंचेगा। मैं सोचती हूँ कि वो बड़ा फेस जो लोगों को बोले कि भाई ये हिंदी जो है इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों शर्मिंदा होना है? और सही बात है, भाषा से है, भाषा कम्युनिकेशन का मात्र होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी साथ में जैसे मेरे को तकलीफ होती है अगर फ्रेंच बायर मुझे इंग्लिश में लिख के नहीं भेजता है, तो मुझे तकलीफ होती है। एट द सेम टाइम आई विल टेल यू वन थिंग कि सीखने की कोई एज नहीं होती है, सीखना भी जरूरी है। मैं छोटे जगह से आई थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि सामने वाला इंग्लिश में बोलता है, यू रिप्लाई इन हिंदी, तुम हिंदी में रिप्लाई करो, कोई बात नहीं है इसमें शर्मिंदा होने की बात। उसने मुझे इंस्पायर किया
कि तुमको बाहर निकलने में तुम मैं मुझे झिझक होती थी कि मैं कैसे जाऊं, वो इंग्लिश में बात करेंगे, मैं कर नहीं पाऊंगी। लेकिन उसने मुझे साथ के साथ ये भी सिखाया कि अपनी सीखने की ये को खत्म मत करो। ये नहीं है कि तुम रिजिड मत हो कि मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में ही बात करूंगी, मैं इंग्लिश सीखूंगी नहीं। सीखने का कोई अंत नहीं है, तुमको इंग्लिश सीखना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि मुझे पेन देता है वो मेरा वो फ्रेंच बायर, कि भाई वो अगर फ्रेंच में लिखता है मैं ट्रांसलेट करती हूँ, तो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ तो उसको इंग्लिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट करना चाहिए, पर वो नहीं कर रहा है, वो वहीं पे अपना कन्वर्सेशन रोक दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वैसा नहीं करना है। अगर सामने वाला अगर मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो मुझे इंग्लिश आनी चाहिए एटलीस्ट उतना कि मैं तो सीखने का कोई अंत नहीं। और आज की तारीख में तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज अवेलेबल है, दुनिया के हिंदुस्तान के कोने कोने तक मोबाइल फोन पहुंचा है, गूगल है, और सब लोग सब चीज सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि उतना जरूर आना चाहिए कि आप सामने वाले आपको भी परेशानी ना हो और सामने वाले को भी परेशानी ना हो। अगर सामने वाला हिंदुस्तानी नहीं है तो एटलीस्ट उसको परेशानी ना हो, ये बात है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में शर्म करने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों को हिंदी तो इतनी आनी चाहिए। दो मैं अपने साउथ इंडियन दोस्तों से भी लड़ाई करती हूँ कि अपना लैंग्वेज ठीक है, अपना लैंग्वेज अपने लोगों में बोलो, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा जो पूरे हिंदुस्तान की है, उतनी आनी चाहिए ताकि आप अपने हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के लोग से बात कर सको। अपने मैं साउथ इंडियन दोस्तों से भी बात करती हूँ, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में बात किया जा सके, हिंदी हिंदी बहुत कंपल्सरी है एटलीस्ट हिंदुस्तान के अंदर। इंग्लिश सीखना इसलिए जरूरी, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप सीखें जरूर ताकि आप दूसरे देश के लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, के साथ कम्युनिकेट कर पाए। जी कनेक्ट हो, आज कनेक्शन का जमाना है, आप कनेक्ट कैसे करेंगे? तो आपको सीखना जरूरी है, इंग्लिश सीखना जरूरी है, पर सीखना बंद नहीं करना चाहिए, सीखना पर शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। बात नहीं है, हाँ कोई बात तो यही है। आपने ठीक कहा कि कोई एक जो पब्लिक फिगर है इस चीज को वो आगे चले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हीन भावना पे रहते हैं, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट है, उनको लगता है कि बोलते हैं तो लोग आइडियल मानते हैं उनको, वो एक बात बोलते हैं लोग फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं लाखों, गांव-गांव के फॉलोअर्स हैं, वो एक बात बोलते हैं तो वो फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, ये समाज के प्रति भी सही बात है। बहुत अच्छी बात कही जी, क्योंकि हमें अपने पे गर्व होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको लेके जा रहे हैं। हाँ, ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी भाषा को, अपने देश को हम कितना मान देते हैं। जी ठीक है, चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें अपने देश और अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, के साथ रहना। दूसरी बात सही बात है। और पूनम जी एक और चीज पूछना है कि आप अभी जैसे खादी को जैसे बता रहे कि इंटरनेशनली लेके जा रहे हैं, तो आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? 5 साल के बाद मैं अपने आप को, मैं सोचती हूँ कि खादी जो है सारे यूरोप में, यूएस में, मैं सारी जगह पे अपैरल तो क्या, साथ में होम फर्निशिंग और अपहोल्स्ट्री, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू, सारी चीजें सारा चीज खादी मैं करने वाली हूँ मैं 5 साल के अंदर, ऐसा लग रहा है। तो 5 साल के अंदर मैं भी सही है, आप जो सोचती है वो आपको उसमें कामयाबी मिले, मैं हमेशा चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं भी ये भी चाहती हूँ कि किसी एक शो में मैं आपकी आपके साथ काम करूं, क्योंकि मुझे बहुत बहुत मतलब इतना प्यारा ड्रेस और डिजाइन है आपका, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं यही पे बोल रही हूँ कि कभी मौका मिला तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी फ्यूचर। बिल्कुल, एनी टाइम, हमेशा आपका वेलकम है। बहुत अच्छा। और पूनम जी, अगर आपको कहा जाए कि आप अपने आप को एक लाइन में या एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए तो क्या होगा? एक वर्ड में डिस्क्राइब करूंगी कि मैं I'm a very honest person, I can say. Okay. वो तो लगता है आप काम से, अपने मतलब family से, अपने हर विचार से आप बहुत honest हैं। It's not all about honesty. It's not all about like money wise or anything. I'm talking about in all together. You know, like मैं काम को लेके honest हूँ, मैं अपने रिश्ते में honest हूँ, मैं अपने society के लिए honest हूँ. I'm telling you. मतलब it's not कि मैं कह रही हूँ, मैं लोगों को मैं महसूस कराना चाहती हूँ कि मैं हर चीज के लिए, इवन कि मैं अपने जुनून के प्रति ऑनेस्ट हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ऑनेस्ट खुद के लिए ऑनेस्ट हूँ, अगर मैं खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं हूँ तो मैं किसी के लिए ऑनेस्ट नहीं रह सकती। तो मुझे लगता है कि Absolutely, appropriate word आपने अपने लिए बोला है, और आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को कहेंगे
हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? नहीं, सबसे पहले तो व्यूअर्स को कहेंगे कि कोरोना काल में अपने आप को सेफ रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई डिस्टेंस बना के रखें और मास्क पहने, ये सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हैं तो ही देश है, दुनिया है, सारी चीजें हैं। आपका होना आपके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, व्यस्त रहना भी बहुत जरूरी है। और साथ में मैं लोगों को ये कहूंगी कि सपने देखना मत छोड़िए, इस केवल इसलिए नहीं कि आप छोटे से छोटी जगह से हैं, सपने जब तक आप सपने नहीं देखेंगे आप उसको चेज नहीं कर पाएंगे। और जितना बड़ा सपना हो सके उतना बड़ा सपना देखिए, सपने देखने के कोई पैसे नहीं लगते और कोई नहीं रोकता है कि आप छोटे जगह के हैं तो आपको हक नहीं है सपना देखने का, सबको हक है सपना देखने का। और जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, सपने देखते रहिए। जी बहुत अच्छी बात कही आपने कि सपने देखते रहिए, साक्षात एग्जाम्पल जो है वो आप है उदाहरण, क्योंकि सपने देखना बहुत जरूरी है और उसके पीछे भागना वो हमारा काम है, है कि नहीं? तो बस ये बहुत अच्छी बात। तो पूनम जी सच्चे में आपसे बात करके मेरे दिल बहुत मतलब लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन का वेट आज मेरा हुआ, और काफी बिजी रहती है आपके साथ, टाइम मिलना भी बहुत मुश्किल था हमारे लिए। लेकिन थैंक यू आपका शो में आने के लिए और हमें हमारे साथ इतना बात करने के लिए, और इसी के साथ बुलाने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच, थैंक यू पूनम जी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, बाय। सो गाइस आपने देखा पूनम जी ने कहा है कि सपनों के पीछे आप मत मतलब देखना मत बंद करिए, देखते रहिए, और सपने देखने का हक सबको है। तो आप अगर सपना देखते हैं तो उसका पूरा करने का जो है वो हक है वो आप ही का है। तो काइंडली आप ड्रीम देखना बंद मत करिए और अपने ड्रीम के पीछे जो मेहनत करना है करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो जिन्होंने आज की सेशन जिन्होंने मिस किया है, जो नहीं देख पाए हैं, वो YouTube लिंक पे उनको मिल जाएगा, वो काइंडली आप वहां पे लॉग इन करें और ये प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। और जब तक हम नेक्स्ट वीक आते हैं किसी दूसरे गेस्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।